नेशनल वार्ता news.com के लिए मैं पावित्री पुत्र वीर जोखी वाला सोंग नदी के किनारे मालदेवका में सोंग नदी के किनारे जो रायपुर से आगे पड़ता है आपको उस सड़क पर मौजूद उस सड़क पर खड़ा हूँ जो सोंग नदी के किनारे है और यहाँ टूरिस्ट आते जाते हैं। अभी भी लगभग 4:30 का समय हुआ है। आपको ये टूरिस्ट के लिए है, ये कच्चा मार्ग है। आप इसको अंग्रेजी में पॉट होल्स कह सकते हैं क्या? इसको तो आप झूरी तलैया ही कहेंगे ना। ये देखिए आप, ये तलैया देखिए, छोटी तलैया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ घनघोर वर्षा हुई थी और यहाँ पर झूरी तलैया अस्तित्व में आ गई है। और देखिए अभी कार निकली है तो कार के पानी से देखिए लहरें पैदा हो रही हैं, घूम रही है ये तलैया, इसलिए मैं इसे झूरी तलैया कह रहा हूँ। देहरादून से मैं तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर हूँ देहरादून घंटाघर से। पर्यटन विकास के नाम पर, पर्यटन विकास के नाम पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो पर्यटन का विकास नहीं हो पाएगा। पर्यटन के विकास में ठहराव आ सकता है। सरकार को सचेत होना चाहिए अपने दायित्व को लेकर। धन्यवाद।